अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूट ब्रेकर। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस बताते रहें। आप सबको पता है कि कल रिमोरव की एक लेटेस्ट वीडियो आई है जिसका नाम है वी बिल्ड अ हिडन सीक्रेट रूम इन आवर हाउस रिमोरव ब्लॉग। तो हम लोग ये वीडियो देखेंगे और फिर करेंगे इसके बारे में बात। रेगुलर वीडियोज ना आने की वजह क्या है कि आप सबको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी होता है, लेकिन वीडियो तो बनानी ही है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनाता रहूँ। तो आए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो स्टार्ट करते हैं। फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं एक सीक्रेट रूम और वो भी हमारे खुद के घर में। क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। हमें आज एक बनाना है सीक्रेट, जी हाँ, सीक्रेट रूम। फैमिली, जो सीक्रेट रूम हम लोग बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं पापा की नजरों के नीचे से, मतलब कि पापा अपने घर में ही ढूंढ ही नहीं पाएंगे वो, क्योंकि यार कहाँ छुपे हैं ये। सो फैमिली, पापा के पास सिर्फ एक घंटा होगा हमारा सीक्रेट रूम ढूंढने के लिए। अगर तो उन्होंने ढूंढ लिया तो वो जीत गए, अगर नहीं ढूंढा तो हम जीत गए। कितने मासूम हैं ये बच्चे, इनको ये नहीं मालूम कि इस घर की एक एक ईंट मैंने इन हाथों से लगाई है। क्यों, मिस्त्री नहीं सीखे? ये म्यूट हो जाएगा, आप सबको पता है रमजान है तो गाने नहीं सुनता मैं, तो बंद हो गया हुआ है। तो उसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि रिमोरव व्लॉग बहुत जबरदस्त है, मेरे फेवरेट है, लव यू इनसे यार। हमारा आज का व्लॉग पॉसिबल हो पाया है बाय ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग ऐप। ऑक्टा एफएक्स इज द ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स और वो भी इस आईपीएल सीजन के। यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस ऐप। पापा वो कैसे? कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपके लिए काम करेंगे और आप अपनी सैलरी का 30-40% तक कमा सकते हो। सिर्फ 3,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है। जस्ट गो टू द ट्रेडर लिस्ट, देन टैप ऑन द ट्रेडिंग हिस्ट्री एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, देन क्लिक सिलेक्ट एंड कॉपी। देखो, मास्टर ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग एंड ऑल द डील गेट्स डुप्लीकेट इनटू योर अकाउंट। उनको भी मुनाफा, आपको भी मुनाफा। डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको मिलेगा 50% बोनस फॉर योर डिपॉजिट। कमाना शुरू करो थोड़ा ज्यादा विद ऑक्टा एफएक्स। टाइम टू फाइंड अ प्लेस। करना क्या है? यार मैं सोच रही थी किचन के ड्रॉ नहीं होते हैं? नहीं होते, उसके बीच में छुप जाते हैं। आओ किचन के पहले ड्रॉज देखते हैं। आ जाओ। पहली बात, हमें हमारा कमरा बनाना है। अच्छा, कमरा बनाना है? नहीं, एक मिनट तो भी, एक मिनट आओ तो सही। ये दोनों खोल दो। फाइनली में ये देखो, ये फुद्दू आइडिया की वजह से अगर मैं हारा ना तो मैं इसको सच्ची में इसमें बंद कर दूंगा। चलो, हाइड एंड सीक नहीं खेलना है तुम्हें, सिर्फ एक सीक्रेट रूम बनाना है जो पापा ढूंढेंगे। यार यार, पापा को तो इतना ध्यान नहीं किया होगा, पापा के हिसाब से ये तो कवर्ड ही है। राइट, यहाँ पे नहीं कवर होता था प्रॉपरली। यस, और ये हमने हटा दिया और ये कह रहे कि पापा को ये लग रहा है कि अभी भी होंगे, सो अगर हम यहाँ पे बैठे होंगे तो पापा आएंगे वो नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। वाह। अब हमें समझ तो नहीं आ रहा कि कहाँ पर हमारा सीक्रेट रूम बनाए। आइए फज से पूछते हैं। फज, कहाँ जाए फज? ओके, सो फज इज टेकिंग अस टू दीक्षा रूम। मैंने कहा इसके अंदर मैं छुप जाऊंगी, आप भी लेट ना ही है, सो जाएंगे। यार देखो रात है, सालो रूम बनाना है, मैं कॉन्सेप्ट ही भूली जा रहे हो। यार हमारे पास पूरी रात है यार, एंजॉय करो ब्रो, प्रॉपर सुबह आना है। अपना रूम बनाने के लिए हमें एक कंफर्ट सी जगह चाहिए होगी। पता नहीं, वो एक मिनट, यो हेलो हेलो हेलो, पूरा एक बार दीक्षा को इसमें डाल के देखते हैं। डालते हैं, लेट्स गो यार, दीक्षा कम ऑन यार, आना है। मेरे को आइडिया है ब्रो। क्या? रेडी? मैं कहता हूँ इसके अंदर। ओ एग्जॉस्ट फैन। मैं कहता हूँ कहीं और देखते हैं। साले इधर बैठेंगे, अगर कोई दो नंबर करने गया और उसने एग्जॉस्ट चलाया, सारी स्मेल हमें सूंघनी पड़ेगी। एक और आइडिया ब्रो, मैं कहता हूँ पर्दों के अंदर से भी आते हैं। अबे छुपना नहीं है। अच्छा, घर बनाना है। देखने वालों को समझ, घर नहीं साले, रूम बनाना है, सीक्रेट रूम। यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी। ओह माय गॉड, लेट्स गो। आर यू सीरियस? इट्स सो मच स्पेस। ये बेस्ट है 100%। डैड को नहीं पता लगने वाला बिकॉज इट्स मंदिर ब्रो। पापा का मतलब ध्यान भी नहीं जाएगा कि मंदिर, क्योंकि यार कभी खुले ही नहीं है। पापा मंदिर में आएंगे नहीं वैसे भी देखने। चलो गाइस, लेट्स मेक दिस हैपन। आने दो। थोड़ा धीरे बोले, पापा सोए हुए हैं। पापा दूसरी साइड पे सोए हैं फैमिली, जितना मर्जी चला के बोलो उनको आवाज। एक्चुअली ये उनको आवाज ऐसे भी जा रही है।
किधर है? फैमिली ये है वो जगह। ऐसे जगह तो बड़ी आला दिखती है। Like can you imagine कि आपके घर में इतनी जगह होगी और आपको ही नहीं पता होगा। यार I swear मतलब अचानक ही दिमाग चला है। अबे चल यार यार क्या पका रही है लड़की। मैं कह रहा हूँ ऊपर पिसने लगे। ये आइडिया बिल्कुल यहाँ पर अभी हम अंदर के लिए कनेक्शन लगा रहे हैं जिसके साथ यू नो हम लाइट फैंस लगा सकते हैं जिससे यू नो सो अभी हम टेस्ट करेंगे कि यू नो करंट आ गया या नहीं। और ऐसे इसको बंद भी कर रहे हैं ताकि पापा को बिल्कुल भी शक ना हो कि हम लोगों ने कहां से बिजली का जुगाड़ किया है। ओ ब्रो ऐसे लग रहे जैसे हम बिजली चोरी कर रहे हैं। बनाया होगा तो फिर उनके लिए अच्छा काफी यूट्यूबर्स ने बनाया है। अपने घर में कैसी जगह ढूंढ लेने की स्प्रिंग यार मजा आ गया यार ये तो कितना सही है यार ये मतलब काफी डिफिकल्ट होता है अपने घर में जगह ऐसी ढूंढना। एग्जैक्टली मुझे लगता है पापा नहीं ढूंढ पाएंगे हमें। नहीं ढूंढ पाएंगे दस नो में मतलब उनके दिमाग में भी नहीं आएगा। आई फील लाइक मॉर्निंग टाइम फाइन रूम। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड शर्मा जी आज फिर पैसे खर्चने को तैयार। आज आपकी आंखों के नीचे से पैसे चले। शर्मा जी आपके पास सिर्फ है एक घंटा और आप सोच रहे हो संजय कहाँ है। फैमिली संजय अपने सीक्रेट रूम में चिल कर रहा है। फैमिली देखो पापा तो निकल पड़े मुझे ढूंढने के लिए। भैया और दीक्षा पापा के साथ है मतलब वो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा यू नो उनको बताएंगे इधर उधर गलत चीजें बताते रहेंगे। सो आई एम प्रीटी श्योर देयर इज नो वे वी आर गोना लूज दिस। मैं कहता हूं मैं सो जाता हूं आएंगे तो अपने उठा लेंगे मेरे को। परफेक्ट चलो बज के एक घंटा शुरू लेट्स गो। फैमिली मुझे लगता है ये लोगों ने ये कमरा किचन में तो नहीं बना दिया। तुम मुझे ये बताओ तुम तीनों उस कमरे में बैठ सकते हो? ना हमें नहीं पता। ये पता नहीं पर हमने किचन का प्लान सोचा जरूर था। कोई हमें वो कमरा ढूंढ के दिखा दे मान जाएंगे। एक मिनट ट्रेन जा रही है। अबे यार टाइम मत वेस्ट करो यार हटो। घंटा निकल रहा है। अरे ओ हेलो इधर नहीं 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 यार कम और पकड़े गए बिल्ले पकड़े गए बिल्लू यार। मैं बता रहा हूँ आपकी नजरों के नीचे से एक काम करेंगे जब आप उसके पास से निकलेंगे ना तो मैं अपने मुंह से टू 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 करूंगा हम दोनों करेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ओ
आ जाओ इधर कुछ नहीं है। रुको इधर ही है। वो देखो नीचे संजय। नहीं छिपकली। ये बस सो गया वो बंदा। इस कमरे में शायद हो सकता है, शायद। टू मेरे घर में कोई ऐसी जगह जहाँ पे तुम लोग छुप गए, मुझे नजर नहीं आ रहे यार। व्हाट अ सरप्राइज यार। और वो भी छुपे ऐसे नहीं है, पूरा रूम बनाया गया है वहाँ पे भाई। एकदम मतलब सिर्फ संजय बैठ सकता है, तुम लोग नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं। ओए बताना नहीं है, चुप रहे। चुप। उनकी टेक्निक्स होती है। अबे गद्दा उठाओ यार, पहले हम छुपाएं भी खुद को, फिर हम दिखाएं भी खुद को। इसके नीचे नहीं होगा। नहीं वो कूलर में संजय दत्त। नहीं नहीं पापा, आपको कैसे पता लगा? ए संजय कैसे चलेंगे? छोड़ो यार, टाइम मत वेस्ट करो प्लीज यार। जो प्राइज जीतेगा आधा आधा कर लेंगे यार। क्या आधा आधा कर लेंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। हम ही यार, मेरा ही घर और मुझे ही समझ नहीं आ रही। ओके सो दिस इज द रूम जो आप लोगों ने बनाया है और सारी रात यहाँ बिताई आप लोगों ने। पीसी भी लगाया है। ऐसी पापा कौन सी जगह हो सकती है यार? पीसी लग गया, संजय बैठा है, इसका मतलब जगह का जो आइडिया है वो 8x6 तो कम से कम होगी। मुझे लगता है भाग दौड़ से नहीं होगा, इसके लिए चाहिए दिमाग। ये कौन सा दिमाग यहाँ होता है? इसके लिए चाहिए दिमाग। मॉनिटर है 24 इंच का, इसका मतलब हुआ 1.5 फुट चाहिए उसको, 1.5 फुट। पीसी है 21x21 इंच, 2 फुट उसे चाहिए। संजय है 6x1.5 फुट, 9 फुट उसे चाहिए। ऋषि है 6x2.5 फुट। दीक्षा है 5x3.5 इंच। 7.5, टोटल हुए 19, 20, 22, 23, 24, 27 फुट हुआ, तो 4-5 फुट गैप भी चाहिए। कम से कम 32 फुट होनी चाहिए उस जगह की, 8 फुट लंबाई होनी चाहिए और कम से कम 3 फुट ऊंचाई होनी चाहिए। यार ऐसी जगह मेरे घर में कहां से आ गई यार? पता नहीं, ऐसी होती नहीं जगह तो। यार देखो, भगवान सिर्फ आपको पापा जगह दे सकता है, दिमाग आपको लगाना। ये तो नहीं भगवान आके बोलेगा इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है। चलो टाइम मत वेस्ट करो यार, चलो यार। अफसोस, टाइम ओवर, लेट्स गो। बट आप देख सकते हैं कि बहुत इतनी जगह है और हमने उस सारी जगह को इस्तेमाल। मैं जीत गया। मैंने बोला था 32 फुट। फाइंड द फुट चैलेंज नहीं था। ओके जनाब, तो बात की जाए वीडियो की, तो बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत ही। एक ऐसी जगह होती है घरों के, वह हमारे इधर क्या कहते हैं इन्हें, गैलरी कहते हैं। गैलरी के ऊपर सामान रखा होता है, तो वहाँ पर यार काफ़ी अच्छी जगह होती है। मतलब कभी सोचा नहीं कि मतलब एक्स्ट्रा रूम बन सकता है। अरे वाह यार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे एक चीज़ बड़ी आला लगी, जब दीक्षा नीचे आ रही थी ना, तो संजय उसे तंग कर रहा था, कभी मैं चुपेर मारनी हूँ, पूरी पंजाबी में आ गई थी, उसका मतलब मैं थप्पड़ मारना। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला वीडियो, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यार। अंकल जी आपका घर हो गया, आपको ही नहीं पता है कि कहाँ पर क्या हो सकता है, सोच ना। हालांकि आप गए भी थे वहाँ पर, तो आपने ऊपर देखा नहीं, लेकिन उसके अलावा बात की जाए तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े वाली, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। बाकी आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आपके रिक्वेस्ट ज़रूर बताते रहें। बाकी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।